सदर अस्पताल में जहां लगातार सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है, वहीं खास बात यह है कि बिहार का पहला यह ऐसा सेंटर है जहां पे कालाजार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर खुला है। ये बिहार का पहला सेंटर है जिसमें DNDI का भी काफ़ी सहयोग रहा है। आइए हम बात करते हैं DNDI के चिकित्सक डॉक्टर गौरव जी से कि कालाजार के विषय में ये बतलाएंगे छपरा सदर अस्पताल और क्या मतलब अभी चल रहा है। जी सर बताइए। नमस्कार। जैसे अभी तक था कि जो प्राइमरी कालाजार जिसको पहली बार कालाजार को तो उनको यहाँ इलाज किया जाता था। अब ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोलने के बाद यहाँ बोन मैरो एस्पिरेशन होगा जिसके कारण जो रिलैप्स सस्पेक्टेड रिलैप्स है कालाजार का उसका भी इलाज यहाँ होगा। हाँ, जो यहाँ अभी 2019 से हो रहा तो रिलैप्स ऑफ कालाजार का भी इलाज होगा। इसके अलावा पोस्ट कालाजार डर्मल डिस्मेनियसिस जो चमड़े का कालाजार है उसका इलाज होता था, लेकिन वहाँ अगर कुछ शंका आती थी उसमें थोड़ा सा मुश्किल था, इसीलिए अभी स्किन स्लिट्स नियर मतलब चमड़े से दिया चमड़े का एक सैंपल लिया जाएगा, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाएगा और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि ये पोस्ट PKDL है। तो DNDI ने इस ये जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं इसको पूरा जो इसको हर तरह का सुविधा देना और यहाँ के लेबोरेटरी में भी सेंट्रीफ्यूज माइक्रोस्कोप ये सब तरह का सुविधा देना DNDI किया। इसके अलावा यहाँ का जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ के जो नर्सेज हैं, यहाँ के जो लैब टेक्नीशियंस हैं जो कालाजार से कालाजार के डिपार्टमेंट में आते हैं उनको हम लोग ले जाकर RMRI में प्रशिक्षण दिए हैं। प्रशिक्षण दिए हैं ताकि बोन मैरो उसके बाद स्पिनिंग एस्पिरेशन ये सब कैसे होगा इस पर हम लोग प्रशिक्षण दिए हैं। यही है कि DNDI का ये पहला सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सदर हॉस्पिटल छपरा में खोला गया। दूसरा हम लोग मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया में यही हम लोग का कालाजार वार्ड का उद्घाटन किया गया आज विधिवत। ये थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। 2019 में दिल्ली में कमेटी बैठी थी कि एक DNDI संस्था है ड्रग्स फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज इनिशिएटिव, तो उसमें जो नेग्लेक्टेड डिजीज है उसके ऊपर DNDI संस्था ने बोला था कि राज्य सरकार को हम मदद करेंगे। उसी के तहत ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस पहला बिहार का यहाँ पर लोग आए देखने के लिए। हम DPM साहब सारे सर्जेंसी लोग उनको मदद किए सहयोग किए, इसका फल है कि आज ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस पहला सेंटर ऑफ एक्सलेंस बिहार का यहाँ खुला, दूसरा शायद पूर्णिया में खुला है, दो ही सेंटर ऑफ एक्सलेंस है यहाँ पर। चूँकि कालाजार अब तो एलिमिनेट हो गया है लेकिन कालाजार फिर अपना पांव नहीं पसारे साल दो साल तीन साल में, या कालाजार के बाद एक स्किन का डिजीज होता है PKDL बोलते हैं या रिलैप्स करके ना आवे, उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा। यहाँ पर पूरी जांच की सुविधा है, ट्रीटमेंट की सुविधा है। जो पहले हम लोग कोई भी केस आता था उसको जांच कन्फर्म करने के लिए RMRI पटना में भेजते थे तो पटना के नाम पर ही वो तो नहीं जाते थे, छूट जाते थे जी। तो अब उन लोगों का सारा समुचित इलाज जाँच और एक्सपर्ट डॉक्टर हमारे डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद हैं जो ट्रेनिंग लिए हुए हैं, GNM है ट्रेनिंग ली हुई है, कहीं से किसी को कहीं बाहर जाने की जरूरत है, सारा समुचित देखभाल इलाज ट्रीटमेंट यहीं पर उपलब्ध है, लैब भी है, 24 आवर स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं। तो और आने वाले दिन में सिवान छपरा गोपाल के लोगों को याद रहे कि कालाजार का एक बड़ा सा सेंटर सदर छपरा में खुला है, तो कहीं भी कुछ होगा तो डायरेक्ट भी लोग यहाँ पर आ सकते हैं।